देखिए, आज संवैधानिक संस्थानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस ढंग से प्रहार कर रहा है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला है। सर, आपकी क्या राय है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में? सर, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार है। सर, आरजेडी ने विरोध किया था, चुनाव हुए हैं, आरजेडी ने विरोध किया था ईडब्ल्यूएस, एक जगह बीजेपी को जीत हुई। आपने कल देखा जी, मोकामा की सीट जिन्हें छोटे सरकार अनंत सिंह कहते हैं, ये उनकी जीत है। आरजेडी अपना पीठ थपथपा रही है कि मैंने जीता जी। ये जीत अनंत सिंह की है। अगर गोपालगंज की सीट महागठबंधन 6 पार्टियों ने मिलकर के लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने समर्थन दी आने वाले 24 के लिए, एक शुभ संकेत। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपने भी कही है और केंद्र सरकार ने भी यहां पर हिमाचल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही, कैसे लेते हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? यूजीसी पे आपको लगता है केंद्र सरकार का कानून लेकर यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपने आज कहा था, अभी भी कहा आपने कार्यक्रम में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज देश की जरूरत है और राज्य अपने अपने ढंग से ये कॉमन सिविल कोड लाने का काम, उस दिशा में बढ़ने का काम, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हिमाचल की सरकार ने भी कहा है कि हमारी सरकार बनते ही इसे हम लागू करेंगे। गुजरात ने भी कहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां हम इसे लागू करते हैं। हम यहां नहीं लागू करते हैं, हम वहां लागू करते हैं जहां जहां लागू करने की स्थिति। जी, आज आपने कहा मोदी जी को धन्यवाद दिया कि लोग अब मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर चुके हैं। दूसरी बात, एक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो जो है रिमोट टोली छी, उस केजरीवाल की बात नहीं करूंगा, वो शायद सिनेमा के अभिनय से ज्यादा कुछ नहीं करते। जो पूरा देश ने देखा, राम जन्मभूमि पर जो गालियां दी, मेरी नानी कहती है कि मैं वैसे मंदिर नहीं जाऊं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।